हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना, तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी, ठीक है। लोग कहेंगे यार ये मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है। इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया को इतना मतलब के अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयाशी कर रहे हैं ये सारे। मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होकर इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी। इंडिया के साथ ज़रूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजिशन विल नॉर्मलाइज। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ। प्यासे को कुएं के पास जाना चाहता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आए। क्योंकि जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है, एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हमेशा ही ऐसे ही डिस्टेबल रहा है ये। हम चाहते हैं कि ट्रेड हो। हमने ये महसूस किया कि हमारी जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ बड़ी बेनिफिशियल रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे उससे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने लंदन के अंदर ये बयान दिया कि पाकिस्तान को जो है ना भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है। कोई भारत को अपनी माँ बता रहा है तो कोई बाप बता रहा है, तो कुछ इसी प्रकार का पाकिस्तानियों की तरफ से रिएक्शन निकल कर आ रहा है। ऐसी ही एक वीडियो और लेकर आया हूँ, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो, क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पत्नी कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाईकोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में रा और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट किए, मैंने कुछ बात बताई। यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे हो रहा है, कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ UP गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब, यार योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। पे गरीबों का क्या हाल है अब? यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयाशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमानों, आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना कर दिया। रिश्तेदार हैं पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, यहाँ मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। कि सबसे पहले इंसान अपना घर को डेवलप करता है, घर से स्टैंड लेता है। जब घर आपका अच्छा होगा, लोग आएंगे, यार इसके घर पे जाएं, कितना प्यारा घर है, इसकी कंट्री में जाएं, इसकी कंट्री कितनी प्यारी है। जब भारत डेवलप हुआ तो भारत को देख के वो लोग जो हैं वो चाह रहे थे
ख्वाब देख रहे थे कि यार हम भी भारत में जाएं, इंडिया में जाएं, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जाके नरेंद्र मोदी से जाके टिप लें कि यार आपने भारत को कैसे स्टैंड कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी कैसे बना ली, आपने एग्रीकल्चर का निज़ाम कैसे ठीक कर दिया। 2019 में बड़े हमने कहा था कि हमने तो ट्रेड करनी नहीं है, आर्टिकल 370 और 35 वे जब तक बहाल नहीं होता। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी नमक की इंडस्ट्री भी खसारे में जा रही है, हम मर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जो है वो हमारा नमक खरीद ले। और अब ये टॉपिक के ये स्टेटमेंट के भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? उनकी पावर तो फिर पूरी दुनिया को नजर आ रही है ना कि हम झुक गए हैं उनके आगे खुद। देखें जी, इसको मेरे ख्याल में झुकना नहीं कहना चाहिए। देखें, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया तबलीग की कि अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखो, अपने हमसायों के साथ जो है ना अपने रिलेशन अच्छे रखें। नरेंद्र मोदी को जादूगर नहीं है, उसके पास जादू की छड़ी नहीं है, उसने स्ट्रगल की, उसने मेहनत की, वो अपने मुल्क को ग्रो की तरफ लेके गया। आज वही मुल्क है इंडिया जो है वो यूरोप को टक्कर दे रहा है। चाइना का कभी नाम हुआ करता था, सुपर पावर है जी, चाइना का गुलाम अमेरिका, चाइना का गुलाम रशिया, चाइना का गुलाम पाकिस्तान, चाइना का गुलाम अफगानिस्तान, चाइना का गुलाम हर कंट्रीज, ठीक है। आज वही लोग हैं जिनकी मेडिसिन कम पड़ जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की जरूरत पड़ती है वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है वो भारत को मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड व्हाट हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे, तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि 125 अरब डॉलर की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज ए ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017-18-19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2.5 अरब डॉलर की ट्रेड थी, तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो ऑन सो फोर्थ, हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं? अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीज़ों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है, हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखें इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी आपने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, वीडियो के एंड में आपने उनको भी सुना है। पाकिस्तानी पब्लिक का जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, जिस प्रकार के पाकिस्तान के हालात हैं, तो उनका रोना धोना तो बना ही है। और ओबियसली बात है, जब आपके मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाए, गरीब आदमी को रोटी नसीब ना हो, 2 टाइम की 3 टाइम की, वो पूरे दिन मजदूरी करे और उससे उसका घर का खर्चा तक ना चले,
तो इतनी ज़्यादा अगर महंगाई आपके देश के अंदर होती है तो ऑब्वियसली बात है सभी फिर जो है ना इसी प्रकार की बातें करेंगे, आंसू आंखों से आ ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर वीडियो के एंड में पाकिस्तान की जो पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर बात की है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भारत आपके साथ ट्रेड अब क्यों करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ट्रेड तो बंद कर दी पाकिस्तान ने भारत के साथ, लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद ये चाह रहा है कि उनकी जो ट्रेड है वो भारत के साथ होनी चाहिए, तो ये इतनी आसान, ये इतनी कहना आसान है, लेकिन ये ट्रेड दोबारा से उतनी आसानी से शुरू नहीं होगी। क्योंकि अब जब भी ट्रेड शुरू होगी वो भारत की शर्तों के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि हम कहेंगे और भारत ट्रेड शुरू कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।